10:30, हाँ साढ़े, क्या बोलूँ मैं, 10 बजने को गया, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ट्राईपॉड लेके यहाँ वहाँ कर रही हूँ। तो अभी जो कि ना नेक्स्ट पार्ट है मेरा, काम ख़त्म नहीं हुआ था और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे शूट भी करने थे वीडियो के लिए, दूसरे चैनल के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ना जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा दूँ, फिर शूट भी करना है, शूट मतलब एडिट भी करना है काफ़ी सारे। मुझे आज का भी एडिट करना है, उसके बाद दूसरे चैनल का भी एडिट करना है। मेरे हस्बैंड क्या बोलते पता है, मैं तो फ्री हो चुका हूँ, मैं अपने लाइफ में पूरा फ्री हो चुका हूँ। मतलब ब्लॉग भी आप एडिट करते हो, ब्लॉग भी आप बनाते हो, ऊपर से दूसरे चैनल का वीडियो भी आप बनाते हो, तो मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ। तो मैंने बोला ना अभी रुको ना, अभी फ्री करवाती हूँ तुम्हें, जब एक बेबी आ जाएगा ना तब मैं फ्री करवाऊंगी इनको अच्छे तरीके से पूरा। मतलब सही में एकदम बाई बना के रखा है, एडिट करो, घर का काम करो, ब्लॉग बनाओ, पता नहीं क्या क्या। तो अभी उनको बताऊंगी ना कुछ दिन के बाद, फिर मज़ा आएगा। तो यहाँ देखो अभी मतलब बाहर जितने भी कपड़े हैं ना उनको तो मैंने टांग दिया है, तो वो तो फर्स्ट बैच है। अभी सेकंड बैच भी अभी मशीन में घूम रहा है, घूमते रहे। और तब तक मैं क्या करूँगी ना, इन बर्तन को साफ़ करना है। और सुबह ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना गाइस, मतलब सोचते ही डर लग जाता है, देख के ही डर लग जाता है। और यहाँ देखो आज ना मनी प्लांट को पानी भी देना है, बट मैं ना भूल गई थी सीरियसली, जब मैं वॉइस रिकॉर्ड दे रही हूँ ना तभी याद आया कि मुझे ना मनी प्लांट को पानी देना है। तो बट दे दूँगी, बट आप लोगों को शो नहीं कर पाऊँगी, या फिर थर्ड पार्ट में शो कर दूँगी आप सबको। और यहाँ देखो गाइस, मतलब काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं एक एक कर करके। और वैसे भी मेरे घर पे आज आए हैं कुछ रिलेटिव, मतलब रिश्तेदार मतलब मेरी नंद, अभी वो मेरी रिलेटिव ही है, अभी वो मेरी पराई हो चुकी है। मतलब मैं खुद अपने घर वालों के लिए पराई हो चुकी हूँ, तो वैसे हुआ रिलेटिव ही हुआ, मतलब मेरी नंद आई है घर में। तो दो 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 लोग खाते हैं ना तब कम बर्तन होता है, अगर बहुत लोग खाते हैं ना तो ज़्यादा बर्तन हो जाता है, तो वही एक आध भी काफ़ी सारा दिखने लगता है। तो दीदी भी आई है घर में, तो आज शाम को चली जाएगी, और जो कि उनकी सास भी आएगी, तो थोड़ी देर के बाद ना मतलब पीठे बनेगा कोला वाला, तो हो सके तो मैं शेयर करूँगी ज़रूर आपके साथ कि कैसे बनता है। और वैसे तो मोहिमा जो है ना, मतलब वो वीडियो में आना नहीं चाहती उतना, तो समझती नहीं है, वैसे आना तो चाहती है बट उतना समझ है नहीं, तो इस वजह से जितना भी पॉसिबल होगा मैं शूट करूँगी उनको। और यहाँ पे देखो ये सारे मतलब गैस में ना छींटे विटे पड़े थे ना कल, हस्बैंड ने इसके ऊपर दूध गिराया, चाय गिराया, तो ये सारे मतलब गैस के ऊपर चिपक गए हैं। तो अगर इनको साफ़ नहीं किया ना तो सही में इतना गंदा लगेगा ना, और ऊपर से कोई घर में मेहमान आता है और क्लीन ना दिखे घर पूरा, तो सही में बहुत गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ देखो मेरा गैस जो कि काफ़ी मस्त हो चुका है, और अभी नीचे का स्लैब भी मुझे क्लीन करना है। और यहाँ जितने भी मेरे टॉवल से देखो, छोटू सा एक मैंने बॉक्स बनाया उसमें रहता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे किचन में मेरा फेवरेट दो चीज़ है, एक तो मनी प्लांट और सेकंड है ये बॉक्स, मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे जो टॉवल्स है ना, किचन टॉवल्स, उसके अंदर स्टोर करके रख देती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ नीचे भी मुझे ना थोड़ा मतलब क्लीन करना है, इसके नीचे भी चाय वाय गिरा ना तो चिपक गया है। आप देखो अभी आप अगर चाय पत्ती चाय एक साथ गिरा के रख दोगे ना तो पूरा चिपक जाता है, उसको निकालना बहुत हार्ड हो जाता है। आधा घंटा रखोगे ना रख दोगे वैसा ही मतलब बहुत हार्ड हो जाता है। तो फिर मेरे को कल मन नहीं हुआ था कि मैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके रखूं, मैंने सोचा सुबह तो करना ही है तो सुबह एक साथ कर लूँगी, कौन अभी करे। तो यहाँ देखो मैं अच्छे तरीके से पूरे जगह को क्लीन कर दूँगी, और यहाँ पे ना थोड़ा वाइपर भी मार दूँगी आज, क्योंकि इधर धोना भी है। यहाँ काफ़ी टाइम से ना पानी से वाइपर नहीं मारा, बस पोंछ के लेके गई और कुछ नहीं किया, और इधर ना हो भी नहीं रहा था अच्छे तरीके से वाइपर से, क्योंकि देखो वो पाइप की वजह से ना रह जा रहा था मतलब। तो उसको फिर मैंने बाद में क्या किया, कपड़े से पोंछा,
और फिर क्लीन हो गया, देखो कितना अच्छा मस्त वाला काउंटर चमक रहा है ना। थोड़ी देर के बाद फिर और भी ज़्यादा चमकेगा जब मैं मतलब एक अच्छे कॉटन के कपड़े से क्लीन करूँगी, तो देखना अभी बहुत अच्छा चमकेगा। देखो कितना मस्त चमक रहा है ना। मैं सोच रही हूँ कि हमेशा ऐसा वाला टेक्निक ही यूज़ करूँ, पाइपर मारूँ, उसके बाद पोछा लगा दूँ एक कॉटन के कपड़े से, फिर बाद में सूखे कपड़े से भी मैं मतलब उसको पोछती हूँ, जिससे कि ना ये मतलब चमकता रहे। और जब आप पोछा लगाते हो ना इसके ऊपर तो मतलब ना वाइट वाइट सा रह जाता है। और अगर हम क्या करेंगे ना, जब अगर हम एक सूखी कपड़े से भी हम पोछ देंगे ना तो फिर अच्छा चमकेगा। तो यहाँ देखो कितना मस्त चमक रहा है ना मेरा काउंटर टेबल। और अभी मुझे करना है जो कि सिंक को भी क्लीन। देखो सिंक भी काफ़ी गंदा पड़ा है। चाय पत्ती वॉइस रिकॉर्ड के टाइम ना इतने लोग आते परेशान करने ना, सही में मूड गर्म हो जाता है पूरा। और ऊपर से अगर घर में बच्चे रहते हैं ना तो और भी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ देखो कितने ज़ोर से इसने दरवाज़ा लगाया तो आवाज़ भी आया। देखो इसके अंदर ना चाय पत्ती गिरा था। और मेरा ये जो सिंक है ना ये इतना मस्त है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इसमें ना कोई दाग नहीं रहता है, एकदम क्लीन रहता है, टिप टॉप रहता है पूरा। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। और मुझे जो दूसरा वाला जो सिल्वर ना किस टाइप का होता है ना, एकदम चमकता है जो, तो वो एकदम वाइट हो जाता है, बट ये ना उस टाइप का नहीं होता। ये इतना अच्छा रहता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और पानी का दाग बाग भी नहीं होता है इसमें उतना, अच्छा ही है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ देखो ये भी मेरा क्लीन हो चुका है फाइनली। और आसपास सब कुछ मैं पोंछ दूँगी अच्छे तरीके से। और साइड में ना क्या होता है ना, साइड में फिर पानी लगा के मुझे मैं धोना पड़ता है। और मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही पानी छोड़ने लगी हूँ, क्योंकि जो पीछे पेड़ पौधे हैं ना उस सीधे ड्रेन होके ना मतलब पीछे जाता है पौधों में, तो इस वजह से मैं ना काफ़ी टाइम तक छोड़ के भी रखती हूँ कभी कभार, कि जिससे कि पाइप तो मैं ले जा नहीं पाऊँगी उतना दूर, पाइप जाएगा नहीं। तो उससे अच्छा क्या होता है ना कि अगर हम पानी छोड़ देते हैं ना तो वो अपने आप चला जाता है पेड़ पौधे में। और पीछे मैंने काफ़ी सारा कुछ लगाया भी है तो वो सारे उनको ना पानी देना पॉसिबल, मतलब रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 5 बजे, वो थोड़ा रेस्ट करेंगे ना, पौधे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो इस वजह से ना फिर मैं उनको ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो नाली सीधा वो पेड़ में, फूल के पेड़ के सॉरी सब्जी के पेड़ में मैंने रखा है कि ये सारा पानी सीधे पेड़ पौधे में जाए। तो यहाँ देखो इसको भी मैं रोज़ वॉश करती हूँ, ये जो छोटा सा जो छलनी टाइप का होता है ना इसको भी वॉश करना पड़ता है। तो नया बनाने के लिए ना आप हमेशा सिंक को क्लीन करके रखो तो अच्छा लगता है।